ये हमें फक्र है, हर हिंदुस्तानी को फक्र है। पार्टियां क्या है, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, आती जाती रहती है सरकारें। जनाब, भारत माता बड़ी है, भारत माता को सलूट आज हर हिंदुस्तानी कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। उनको बुलाया हुआ है, मेरे से पहले जो बोल रहे थे उस व्यक्ति ने गोली खाया हुआ है, अपना पैर गवाया हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, फिर भी वो खड़े होकर सीधा देश के लिए 24 घंटा सोचता है। आप बताइए, यहाँ पर राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो आपको और मेरे को अभी पानी पिला सकते हैं कि सामरिक विषय पे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, स्वागत है आप सबका। कल अमेरिका के ह्यूस्टन में मोदी और ट्रंप के दोस्तानी ने जहां पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, वहीं पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया। ट्रंप के सामने कश्मीर और 370 के जिक्र से जैसे इमरान खान एंड टीम को सांप सूंघ गया है। गजब की खामोशी छाई है, यहां तक कि बात बात पर जहर उगलने वाले पाकिस्तानी मंत्री, संतरी, जनरल सबके सब चुप हैं। वो इसलिए क्योंकि बात सिर्फ 370 की नहीं हुई। कल मोदी और ट्रंप दोनों ने दुनिया के सामने ये इरादे जाहिर कर दिए कि पाकिस्तान में पलने वाले आतंक के दिन अब गिनती के बाकी हैं और इस नासूर के फुल एंड फाइनल हिसाब का वक्त आ गया है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। स्वागत है आप सबका। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। मेहमानों से आपको पहले मिलवा दें, संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, स्वागत है संबित जी आपका। एमएस बिट्टा साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। शुभ्रांश राय पोलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में, मेयर जनरल बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमद अयाज साहब कश्मीर से आते हैं, पत्रकार हैं, स्वागत है आपका भी, और अशोक सज्जनहा साहब पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमैट हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए वक्त देने के लिए, मैं बिट्टा साहब से पहले, आपका कल के इस पूरे इवेंट के बारे में आपका क्या सोचना है? कश्मीर का जिक्र होना, आतंक का जिक्र होना, ट्रंप की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी का खुलकर इन बातों का इजहार करना, क्या सबक देखे गया दुनिया को? देखो, इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम है पूरे अमेरिका में देखते होंगे, सारी ऑल पॉलिटिकल पार्टी को मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए प्रथम रास्ता है दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की, भारत माता का रुतबा, उसकी शान, उसकी आन बड़ी है। दूसरा सबसे बड़ा जो इशारा हुआ है 370 धारा का, ट्रंप जी का और नरेंद्र मोदी जी का, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होना, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके उनको अलग करके ऐसा होना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं अगर सच्चा भारतीय हूं तो मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और ट्रंप जी ने मिलकर के जिस तरीके से वहां माहौल बनाया, पाकिस्तान को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी कुछ ना कहते कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक कल का जो एक सिग्नल है ये पाकिस्तान को बता दिया कि आप अपनी औकात में रहिए, आप आतंकवाद को समाप्त कीजिए। 370 धारा का जो फैसला हुआ वो बिल्कुल ठीक था, अब ऑक्यूपाई कश्मीर भी लेके रहेंगे। ये कल का हर चीज कहने की नहीं होती, कई बार इशारे की होती, ये बहुत बड़े इशारे थे हमारे हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा। लेकिन जब वो कहते हैं बिट्टा साहब निर्णायक लड़ाई, और देश के रक्षा मंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के सेना प्रमुख जब बार बार कहते हैं, अब नाम लेते हैं पीओके का, कि अब पीओके पर बात करने की, अब पीओके पर कार्रवाई करने की बारी है, तो इसे तो समझना पड़ेगा ना कि ये क्यों किया जा रहा है। देखो, मेरी एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, पीओ की बात अगर शुरू हो चुकी है, अगर हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, अगर उन्होंने ये कह दिया पीओ के हमारा, पहले तो कभी किसी ने नहीं कहा, हम कश्मीर की बातें करते रहे पर ये तो कभी नहीं किसी ने कहा। अब पीओके की बात तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हमने ले लिया, और अगर ले लिया तो हम जल्दी लेके रहेंगे, किस तरीके से लेंगे, कैसे होगा, कैसा माहौल होगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है पाकिस्तान ही कहे कि रोज जंग की माहौल को छोड़ो, हम आपका है देते हैं, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते, हो सकता है ऐसा वक्त भी आए। पर दूसरी तरफ पाकिस्तान की अभी भी कोशिश है, बालाकोट के अंदर अभी भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की फिराक में पूरा वो चल रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए तो क्या माहौल होता है अगला,
पाकिस्तान कहां पहल करता है? हम तो पहल करने वाला हिंदुस्तान, पाकिस्तान पहल करेगा, हिंदुस्तान की फोर्सेज, हिंदुस्तान की लोग तो कह रहे हैं कि कम से कम कश्मीर को लेकर दुनिया में संदेश देने की पहल भारत ने की है। उनको बुलाया हुआ है। मेरे से पहले जो बोल रहे थे उस व्यक्ति ने गोली खाया हुआ है, अपना पैर गवाया हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, फिर भी वो खड़े होकर सीधा देश के लिए 24 घंटा सोचता है। आप बताइए, यहाँ पर राजनयिक लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो आपको और मेरे को अभी पानी पिला सकते हैं कि सामरिक विषय पे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। ये भारत की तो ये भारत का रुख कभी रहा ही नहीं, मेरी बात तो पाकिस्तान का रुख रहा है। बेटा साहब, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहता हूं। मैं जवाब दूंगा। आप एक बार बोलिए, उसके बाद एक बार बोलिए, मेरी बात सुन के आप मुझे बताइए। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको पूरे अमेरिका के अंदर सब जगह पे बैन कर दिया था और हम भी सोचते थे कभी जा नहीं पाएंगे। आज उन्होंने कुछ करके दिखाया है। पूरा दुनिया टेररिज्म के खिलाफ है, पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला हुआ है, कोने कोने में टेररिज्म फैला हुआ है। अगर आज उन्होंने, आप मुझे बताइए, मैं ना बीजेपी का प्रवक्ता ना मेरा किसी से लिंक है, कहीं आप पता करा लीजिए, पर मिलिए प्रथम राष्ट्र शरीर दिया है, अपने सामने बेगुनाहों के खून होते हुए देखे। अब मुझे ये बताइए, पिछले 5 साल के अंदर आप दीनानगर पठानकोट की घटना को निकाल दीजिए, आप कश्मीर को निकाल दीजिए, पूरे देश के अंदर मुझे बताइए, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट, जयपुर के अंदर ब्लास्ट, कहीं हुए क्या? मुझे बताइए, अगर आज भी हम लोग नहीं खड़े होंगे उस योद्धे इंसान के साथ तो देश की जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। दुनिया में घूमे, हमने सबने कहा, अरे रोज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी बाहर चले जाते, आज जाके पता चला पूरी दुनिया के अंदर 5 साल के अंदर सब देशों को एक करके आज पाकिस्तान को एक अलग कर दिया। दूसरी बात सुनिए, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत उतनी देर तक नहीं हो सकती जितनी देर तक पाकिस्तान से बात होगी तो ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर और टेररिज्म के ऊपर बात होगी कि वो अपने आईएसआई के कैंप को खत्म करे। ये कैसे होगा कि पाकिस्तान से सीधी बात होगी? अगर ट्रंप जैसा बहादुर एक योद्धा हिंदुस्तान के, भारत माता के साथ खड़ा हुआ है तो हमारे लिए फख्र की बात है। दूसरी तरफ चाइना, चाइना खुल के पाकिस्तान के हक में नहीं है। चाइना अगर आज हमारे साथ थोड़ा ठीक हुआ है, वो एक फॉरेन पॉलिसी इकट्ठी हुई है उसके कारण खड़ा हुआ है। देखिए बिट्टा साहब, ज्वलंत उदाहरण है आतंकवाद का, इन्होंने आतंकवाद को फेस टू फेस ऐसे करके फाइट किया है। तो चूंकि इनके लिए हृदय में बहुत ज्यादा सम्मान है, इनके शब्द को मैं आगे बढ़ाता हूं और डॉक्टर साहब मेरे साथ एग्री करेंगे। पिछले 5 सालों में अगर 2-3 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई और इसके लिए पूरा हिंदुस्तान फक्र करता है कि हम कम से कम आज सुकून से दिवाली मना सकते हैं। पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है कि ये आतंकवादी शहर में घूम रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब सवाल थोड़ा मेरा इसके आगे आता है, जब हिंदुस्तान आंतरिक रूप से सुरक्षित हो गया है पिछले 5 सालों में, कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि अब आतंकवादी सब्जेक्ट पे मेरी डिस्कशन बाकी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये एग्जाम पास कर रखा हूं, मेरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हमें लगता है कि इस मुद्दे से आगे आज हिंदुस्तान को एक आर्थिक शक्ति बनने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो ही आप दुनिया को अपनी इशारों पे बता पाते हैं। आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं तो आपकी बातों का एक वजन होता है। और मुझे ये बात मैं शान से कह सकता हूं कि आज किसी भी कार्यक्रम में मैं चौड़े होकर दिल्ली में घूम सकता हूं, क्योंकि मैं टेंशन फ्री हूं, अब कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो जब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर आतंकवाद शब्द का माहौल बनाने। चलिए जवाब ले लेते हैं, तो उसका क्या? देखो कल की बात, कुछ मुझे सबसे बड़ा अफसोस है इस समय के ऊपर। हम हिंदुस्तान में होते हुए हम फिर लोगों को एक शक की निगाह से हम अपने आप को बताते हैं, इमरान की बात फना वाई, कौन इमरान, हमारा क्या तल्लक उसे? इस वक्त जो मैं देख रहा हूं टेलीविजन के अंदर, दुनिया के अंदर जो भारत माता का सिर ऊंचा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहे, सब हर कौम हर मजहब का आदमी, हम आज के दिन जितनी देर नरेंद्र मोदी जी वहां है हमें आज उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी जी का जो मान सम्मान उन्होंने अपना नहीं, जो भारत माता का और वहां पे बैठा हुआ हर हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उसका जो बढ़ाया है, ये हमें फख्र है, हर हिंदुस्तानी को फख्र है। पार्टियां क्या है, कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई आती जाती रहती है सरकारें, जनाब भारत माता बड़ी है, भारत माता को सलूट आज हर हिंदुस्तानी कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और याद रखना आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा मुझे पता नहीं, जो कहते हैं वो सच जरूर होता है। नरेंद्र मोदी जी एक दिन
हिंदुस्तान नहीं दुनिया के अंदर ऐसी एक दिन जिम्मेदारी मिलेगी टेररिज्म को समाप्त करने के लिए लिख लीजिए। इतिहास देखेगा कि दुनिया के अगर अंदर हिंदुस्तान का हमारा योद्धा टेररिज्म को समय बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री का अभी अमेरिका का दौरा जारी है और अभी कई और ऐसे मौके आएंगे जब आप लोगों से आपकी राय हम लोग ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल सीधे चलते हैं मीनाक्षी के पास जो आपको बताएंगी हार कर भी क्यों खुश है।